आईपीएल नीलामी में होती है उस टीम की जीत जिसके पास होता है सबसे ज्यादा पैसा। और आज इस वीडियो में सभी 10 टीमों का बैलेंस पर्स जो 2024 के मिनी ऑक्शन में हर टीम के पास रहेगा इस वीडियो में आपको बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। 2023 का आईपीएल बेशक खत्म हो चुका हो लेकिन 2024 के आईपीएल को लेकर वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और भैया बेल आइकन को भी दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लिस्ट की। और पहले स्थान पर नंबर वन पर जो टीम मौजूद है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा रहेगा, बैलेंस पर्स रहेगा 2024 के मिनी ऑक्शन में, वो है पंजाब किंग्स की टीम। आपको याद होगा दोस्तों कि जब पिछले साल की नीलामी हुई थी तब भी पंजाबियों के पास वन ऑफ द बिगेस्ट बैलेंस पर्स था लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन में 2023 के आईपीएल में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया था। खैर अगर दोस्तों इस साल के आईपीएल नीलामी में इनके बैलेंस पर्स की बात करूं तो इनके पास टोटल 35.7 करोड़ रुपए एक्सपेक्टेड बैलेंस पर्स रहने वाला है। दरअसल पिछले साल का इनका 12.2 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स ऑलरेडी बचा हुआ है। इस साल 5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बैलेंस पर्स इनको मिलेगा क्योंकि बीसीसीआई हर टीम को 5-5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देगा खर्च करने के लिए। बैलेंस पर्स इंक्रीज हो गया है, मैंने आपको बताया 95 करोड़ से 100 करोड़ हो गया है, तो हर टीम के पास 5-5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए। तो वही दोस्तों ये सैम करन जो कि पिछले साल इनके सबसे महंगे खिलाड़ी थे, 18.5 करोड़ में बिके थे, उनको रिलीज कर देंगे। अगर सैम करन रिलीज होते हैं जिसके चांसेस 100% है तो 18.5 करोड़ रुपए वहां से इनके बैलेंस पर्स में ऐड होगा। तो पंजाब का जो टोटल मिनिमम बैलेंस पर्स रहने वाला है ना वो लगभग 35.7 करोड़ रुपए रहने वाला है। ये मिनिमम पर्स दोस्तों मैंने आपको बताया है, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा लेकिन लगभग इतना तो रहेगा ही। अगर इतने पैसे दोस्तों पंजाब के पास रहे ना तो आप ये मानकर चलिए कि इस साल की नीलामी का भी सबसे महंगा खिलाड़ी पंजाब वाले ही खरीदने वाले हैं। अब महंगे खिलाड़ी खरीदने से क्या इनके प्रदर्शन में फायदा होगा, ये तो आप बताओ ना कमेंट बॉक्स नीचे। और पंजाब किंग्स के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पर मौजूद है इस लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। एसआरएच के पास इस नीलामी का दूसरा सबसे बड़ा तगड़ा बैलेंस पर्स रहने वाला है। दरअसल पिछले साल के 6.55 करोड़ रुपए इनके पास ऑलरेडी बचे हुए हैं, इस साल के 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इनके अकाउंट में बीसीसीआई द्वारा जोड़ दिए गए जैसा कि मैंने आपको बताया। और हैरी ब्रूक को ये लोग रिलीज करेंगे 100%। तो हैरी ब्रूक की जो कीमत थी वो 13.25 करोड़ रुपए थी जो कि भी इनके बैलेंस पर्स में ऐड हो जाएगी। तो जो टोटल सनराइजर्स हैदराबाद का बैलेंस पर्स रहेगा 2024 के मिनी ऑक्शन के लिए वो 24.8 करोड़ रुपयों का रहने वाला है। दोस्तों मैं ये जितना भी आंकड़ा बता रहा हूं ना, ये जो 24 करोड़ है या पंजाब का 35 करोड़ का बताया था, ये मिनिमम एक्सपेक्टेड है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ही होगा लेकिन मिनिमम 24 करोड़ तो रहेगा हैदराबाद के पास। और अगर 24 करोड़ रहता है ना तो हैदराबाद के पास भी एक बहुत महंगा प्लेयर जाने वाला है। कौन होगा वो तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और हैदराबाद के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद नंबर 3 की टीम की, तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई के पास भी इस साल तगड़ा बैलेंस पर्स रहने वाला है और इस बैलेंस पर्स की सूची में नंबर 3 पर चेन्नई है। दरअसल दोस्तों पिछले साल का इनका जो बचा हुआ बैलेंस पर्स है वो 1.5 करोड़ रुपए है, इस साल बीसीसीआई 5 करोड़ रुपए देने वाला है एडिशनल बैलेंस पर्स, तो वही 16.25 करोड़ रुपए इनके और ऐड होंगे बेन स्टोक्स को रिलीज कर। पिछले साल इन्होंने लगभग 16.5 करोड़ रुपए में बेन स्टोक्स को खरीदा था, बेन स्टोक्स इनके कोई काम आए नहीं, बड़े महंगे हैं, तो 16 करोड़ रुपए और इनके लगभग 16.25 और ऐड हो जाएंगे इनके अकाउंट में। और इस तरह से जो इनका मिनिमम एक्सपेक्टेड बैलेंस पर्स अगले साल की नीलामी मतलब इस साल मिनी ऑप्शन में रहेगा वो 23 करोड़ रुपयों का रहने वाला है। देखो यार वैसे तो चेन्नई को अपनी स्क्वाड में जरूरत नहीं है, इनकी स्क्वाड बहुत बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन ये एक दो ऐसे खिलाड़ी खरीदने की कोशिश करेंगे जो कि दीपक चहर का थोड़ा सा विदेशी तेज गेंदबाज साथ दे दे या ऊपर से एक भारतीय बल्लेबाज और राइडू की कमी पूरी कर दे, तो वो चीज करने की ये लोग जरूर कोशिश करेंगे। बैलेंस पर्स इनके पास बहुत तगड़ा है लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए इनके पास अभी ज्यादा जगह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज्यादा सेटल्ड नजर आ रहे हैं। चेन्नई के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, ये बहुत तगड़ी टीम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर चौथे नंबर पर मौजूद है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी अच्छा खासा बैलेंस पर्स रहने वाला है। पिछले साल का इनका 3.55 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स बचा हुआ है, इस साल 5 करोड़ रुपए का एडिशनल बैलेंस पर्स बीसीसीआई देगा, तो वही दोस्तों 10 करोड़ रुपए इन्हें मिलेंगे आवेश खान को रिलीज कर। आवेश खान पिछले साल चले नहीं थे, परफॉर्मेंस खराब थी, एंड दैट्स व्हाई ये आवेश खान को रिलीज करेंगे। आवेश खान नीलामी में बेशक चले जाएंगे लेकिन इसका फायदा लखनऊ को सीधे हो जाएगा 10 करोड़ रुपए मिलकर, और टोटल बैलेंस पर्स इनका रहेगा 18.55 करोड़ रुपए। तो इतना मिनिमम बैलेंस पर्स तो लखनऊ वाले भी रखने वाले हैं। अच्छा 18-19 करोड़ रुपए से किन किन खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं ये तो आप बता दो कॉमेंट बॉक्स में। और लखनऊ के फैन हो, वीडियो को लाइक
लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन भी नीचे ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर मौजूद टीम का नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। देखो यार, IPL हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, सारी खबरें 8-8, 10-10 दिन पहले ही हम सोर्सेस के हवाले से हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहे हैं। कई हमारी ऐसी रिपोर्ट होती है जो हम 10-10 दिन पहले डाल देते हैं, बाद में सही साबित होती है, एंड दैट्स व्हाई बोल रहे हैं फॉलो कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पर मौजूद टीम की बात करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। पिछले साल RCB का सिर्फ 1.75 करोड़ रुपए का ही बैलेंस पर्स बचा हुआ था, लेकिन इस साल इन्हें एडिशनल 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और ये दिनेश कार्तिक, विल जैक्सन दोनों को भी अगर रिलीज कर देते हैं तो 8.7 करोड़ रुपए इन्हें वहां से मिल जाएंगे। तो जो टोटल इनका बैलेंस पर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का तैयार होगा वो मिनिमम 15.45 करोड़ रुपए का तो तैयार हो ही जाएगा। हाँ, अगर RCB वाले और कई प्लेयर्स को रिलीज करते हैं, मान लीजिए हसरंगा को रिलीज कर दिया या हर्षल पटेल या हसरंगा में से किसी एक को रिलीज कर दिया, तो 10 करोड़ रुपए वहां से सीधे इनके बैलेंस पर्स में ऐड होंगे। शहबाज अहमद को रिलीज कर दिया तो वहां से भी इन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। तो RCB का मिनिमम तो 15 करोड़ है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि ये 30-32 करोड़ तक अपने बैलेंस पर्स को खींच सकते हैं प्लेयर्स को रिलीज करने के बाद। अब 15 करोड़ में ये किसको खरीदेंगे? अगर इन्हें जायसवाल मिल गए ना नीलामी में, तो ये फिर सबको बाहर कर देंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और RCB के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक का बटन भी नीचे ही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर इस लिस्ट में है गुजरात टाइटंस की टीम का। गुजरात टाइटंस के पास भी अच्छा खासा एक डिसेंट बैलेंस पर्स जो है वो तैयार रहने वाला है। 4.45 करोड़ रुपए पिछले साल गुजरात टाइटंस के बकाया बचे हुए थे, 5 करोड़ रुपए इस साल एडिशनली बैलेंस पर्स में BCCI ने ऐड करने का घोषणा कर दी है। तो वही 6 करोड़ रुपए इन्हें मिलेंगे शिवम मावी सिर्फ को रिलीज करके, मतलब अगर इस सिर्फ एक खिलाड़ी शिवम मावी को भी रिलीज कर देंगे तो भी 6 करोड़ रुपए सीधा इनके बैलेंस पर्स में ऐड हो जाएगा। तो इनका मिनिमम एक्सपेक्टेड बैलेंस पर्स 15.45 करोड़ रुपए का रहने वाला है। मैं लगातार आपसे बोल रहा हूं मिनिमम शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम इतना तो रहेगा ही भाई, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट इससे कम नहीं रहने वाला है इनके पास बैलेंस पर्स। और 15.45 करोड़ रुपए बहुत अच्छा अमाउंट होता है एक मिनी ऑक्शन के लिए। वैसे गुजरात को इतनी जरूरत भी नहीं, इनकी स्क्वाड वैसे ही बहुत अच्छी है। गुजरात के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां नाम है इस लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स की टीम का। राजस्थान रॉयल्स के पास भी एक डिसेंट बैलेंस पर्स हमें देखने को मिलेगा। 3.35 करोड़ रुपए इनके पास पिछले साल के बचे हुए थे, 5 करोड़ रुपए इनका एडिशनल बैलेंस पर्स इन्हें इस साल मिलेगा जैसा कि मैंने बताया। और जेसन होल्डर को भी ये सिर्फ रिलीज करेंगे तो 5.75 करोड़ रुपए इन्हें वहां से मिल जाएंगे। तो टोटल बैलेंस पर्स इस तरह से इनका 14.3 करोड़ रुपीस का हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स अगर अपने बड़े प्लेयर यशस्वी जायसवाल नहीं मानते हैं, रिलीज कर देते हैं तो वहां से भी इन्हें 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। बैलेंस पर्स इनके पास भी राजस्थान के पास रहने वाला है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये कैसे करेंगे ये तो समय बताएगा। अगर राजस्थान के फैन हो, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर देना, लाइक का बटन नीचे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के बाद नंबर 8 पर मौजूद टीम का नाम है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली के पास भी एक डिसेंट मिनिमम बैलेंस पर्स तो रहेगा, 4.45 करोड़ रुपए इनके पिछले साल के थे, 5 करोड़ रुपए का एडिशनल बैलेंस पर्स इन्हें मिलने वाला है। तो वही अगर ये सिर्फ रिले रोसो को रिलीज कर देंगे ना तो 4.65 करोड़ रुपए इन्हें वहां से मिल जाएंगे। तो टोटल दिल्ली का मिनिमम बैलेंस पर्स 14.1 करोड़ रुपीज का रहने वाला है। हाँ, अगर ये पृथ्वी शॉ को भी रिलीज कर देते हैं जिसके चांसेस है, तो फिर इनका बैलेंस पर्स और बढ़ जाएगा। देखो सीधी कहानी है, जो टीम जितने महंगे प्लेयर्स को रिलीज करेगी उस टीम का बैलेंस पर्स उतना ही ज्यादा रहेगा। एंड इसीलिए हमने कहा कि पंजाब के पास सबसे ज्यादा है क्योंकि वो उतना महंगा प्लेयर रिलीज कर रही है। बेन स्टोक्स रिलीज होंगे तो चेन्नई को उसका फायदा मिल रहा है। 14.1 करोड़ रुपए भी एक डिसेंट अमाउंट है। दिल्ली के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब हम बात करते हैं नंबर 9 पर मौजूद टीम की। इस लिस्ट में है बंबई की टीम। बंबई के पास पिछले साल सिर्फ 5 लाख रुपए बचे थे, इस साल 5 करोड़ रुपए का एडिशन होने वाला है जैसा कि मैंने बताया। और जोफ्रा आर्चर को अगर ये सिर्फ रिलीज करते हैं तो 8 करोड़ सीधे वहां से मिल जाएंगे, तो 13 करोड़ रुपए तो इनके पास रहने वाले। देखो यार, इस समय बंबई की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे महंगे प्लेयर्स हैं नहीं मुंबई के पास जिनको ये रिलीज कर अपना बैलेंस पर्स बढ़ा ले, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने इस बार धोखेबाजी की थी, सिर्फ कुछ मैच खेले, बाकी टाइम कुर्सियां
से की, तो नुकसान हो रहा है मुंबई को, तो आर्चर को ये लोग रिलीज कर सकते हैं एंड दैट्स वाई इनके पास थोड़ा सा कम ही बैलेंस पर्स रहने वाला है, फिर भी 13 करोड़ बहुत होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 10 पर मौजूद है कलकत्ते की टीम, 1.65 करोड़ रुपीज पिछले साल इनके थे, 5 करोड़ इस साल ऐड होंगे और 3 करोड़ रुपए इन्हें मिलेंगे शाकिब अल हसन, लिट्टन दास और डेविड वीस को रिलीज कर कर। तो इनके पास बहुत ज्यादा महंगे रिलीज करने लायक प्लेयर्स हैं नहीं, दैट्स वाई इनका बैलेंस पर सिर्फ 9.65 करोड़ रुपीज का मिनिमम रहने वाला है, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बाकी टीमों से कम ही रहेगा। तो ये थी भैया 10 टीमें और 10 टीमों का बैलेंस पर जो हमने आपको बताया, जो कि रिपोर्टेडली इसके अराउंड रहने वाला है। ये मैंने मिनिमम बैलेंस पर बताया है दोस्तों, इससे कम नहीं रहेगा, इससे ज्यादा ही रहेगा। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, सारी रिपोर्ट सबसे पहले देते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।